फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में मरीजों ने कोरोना टेस्ट को लेकर सीएमओ ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर स्वास्थ्य विभाग के सामने अपनी समस्याएं रखी। इसमें बुजुर्ग महिलाएं, गर्भवती महिलाओं के साथ साथ लड़कियां भी शामिल थी। लोगों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारी अपने जानकारों का कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, जबकि वे लोग सुबह से टेस्ट करने के लिए परेशान हैं। अस्पताल प्रशासन से पूछने पर वे लोग उल्टा सीधा कहते हैं और पुलिस को बुलाकर धमकाते भी हैं। आप खुद ही सुन लीजिए मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर क्या गंभीर आरोप लगाए। पहले हम कोरोना टेस्ट के लिए आए थे, एक तो पहले यहाँ के डॉक्टर बहुत ज्यादा लेट आते हैं, सुबह 9 बजे से जाके 11:30 बजे डॉक्टर आते हैं, उसके बाद वो लाइन में इतना टाइम लगाते हैं, एक डॉक्टर आता है दो दो लाइन को देख रहा है, उसके बाद कोरोना के लिए टेस्ट करके भेजते हैं तो वहाँ पे कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, और स्टाफ नहीं है तो भाड़ा के कहता है कि आपको जो बोलना है बोलो, आप कंप्लेंट कर दो, मुझे नहीं पता, आप स्टाफ भेजो तो मैं 10 बजे तक ड्यूटी करूँगा और मेरे पास कोई स्टाफ नहीं, इसलिए आप लोग यहाँ से जाओ, वो ये कह रहा है। जी नहीं, मैं 8 बजे से आई हुई हूँ, मेरे हस्बैंड के आज 10 दिन हो गए, 7 तारीख से वो बीमार हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एकदम, और दो बेटे भी लेके आ रखे हूँ, मेरे बेटे पार्क में बैठे, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ टेस्ट के लिए, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ, लास्ट में पहले तो कहने लगे बंद हो गया, तब जब जाके हम लोग वहाँ अंदर से जब बाहर से अंदर गए तो साहब मना कर दे टेस्ट नहीं हो रहा, जाके वो सीएम से बात करो, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो हम स्टाफ के लिए यहाँ आए तो सीएम भी यहाँ नहीं है, अपनी जगह से चले चुके, कह रहे कहाँ गए ये हम नहीं जानते, तो टेस्ट वहाँ नहीं हो रहे हम आम इंसान के, और हो भी रहे तो उस बंदे के हो रहे जिसकी जैक लगी हुई है, या पहले से नाम है, या पहले से ना वो पैसे दे रहे हैं, या पुलिस वाले उनको सपोर्ट में ले जा रहे हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं, हम आम इंसान के टेस्ट नहीं हो रहे सर, और सुबह से मेरे बच्चे लवारिश की तरह पार्क में बैठे हुए हैं सर। मेरी लड़की थोड़ा सर गरीब है, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा, कमाई धमाई हो ही नहीं रहा सर, ठीक है, इसलिए मैं अपने दामाद को दिखाने आए थे सर, कोई सुनाई नहीं हो रही सर। तो ये सब जो हैं कोरोना के जांच कराने के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन इनका कई कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, तो इनका कोरोना का जो टेस्ट होना था वो टेस्ट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर ये अब जो स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर है सीएमओ दफ्तर, उसके बाहर एकजुट हो गए हैं ताकि इनकी आवाज़ है वो बड़े अधिकारी सुने, लेकिन बड़े अधिकारी भी दफ्तर में मौजूद नहीं है, जिसके चलते ये भरी दोपहरी में यहाँ पर खड़े होने को या फिर ये मजबूर हो चुके हैं और कई दिनों से अपने इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? मैं सर सुबह 8 बजे का आया हूँ और मेरा एक चेकअप होना है, और जो कह दी जाओ कोई नहीं है यहाँ पर, कल आना, और कल आ जाओ तो फिर भी कल भी नहीं पूछ रहे, उनका नाम ले रहे हैं जो कागज थे पैसे वाले हैं उनकी तो ले रहे हैं, जो पैसे वाले हैं उनके ले रहे हैं। आप कब से आए हुए? आपको भी कोरोना का टेस्ट कराना है? हाँ, डिलीवरी नहीं होगा जब तक टेस्ट नहीं होगा, तो डिलीवरी नहीं होगा। अच्छा, ये सभी लोग अपना कोरोना का टेस्ट कराने आए हुए हैं, पेशेंट जो है डिलीवरी होनी है इन महिलाओं की, और उससे पहले जो है कोरोना का टेस्ट होता है ताकि वो सारी चीज़ें को जांचने के बाद ही आगे की कार्रवाई डॉक्टर करें, लेकिन उससे पहले जो टेस्ट होना था उसके लिए इनको भटकना पड़ रहा है, और कई कई दिनों के चक्कर लगाने के बाद भी यहाँ पर जो है इनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर अब जो है सीएमओ दफ्तर के सामने ये एकजुट हुए हैं और अपनी परेशानी जो है वो इनको बताना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बड़े अधिकारी अभी भी इस समय मौजूद नहीं है। कैमरा पंकज के साथ संदीप गोयल, पायनियर। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.